सीबीएसई टर्म 2 का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, आज बच्चों 14 जुलाई है, तो आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं रही है अब, क्योंकि रिजल्ट वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे बच्चों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत लेट हुए हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम लेट होने के चक्कर में जो बच्चों का जो मार्क्स मिलने चाहिए और जो प्रोसीजर होता है कॉपी चेकिंग का, उसमें बहुत सारा डिले किया गया है। डिले इस वजह से हुआ कि कहीं कोई मिस्टेक्स ना रह जाए। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए, कुछ मिस्टेक्स ना हो उसको ध्यान में रखते हुए, जो सारा प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया है, ये खुद सीबीएसई मान रही है। लेकिन क्लास 10th से भी ज़्यादा जो ज़रूरी होता है 12th का होता है, क्योंकि 12th वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, कॉलेज में एडमिशन लेने पड़ते हैं, उसके लिए उनका और भी प्रोसीजर होता है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है या कोई अदर बोर्ड से जब कॉलेज में जाता है, तो सारे बोर्ड्स एक जगह आ जाते हैं ना, तो अगर सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे लेट आएंगे तो उनको शायद एडमिशन भी ना मिल पाए। इस वजह से हर साल कोशिश की जाती है कि रिजल्ट जल्दी निकालें, बट इस बार रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गए। क्लास 10th और क्लास 12th टर्म 2 का रिजल्ट वैसे तो बताया जा रहा है कि 15 जुलाई, आज 14 जुलाई है, कल 15 जुलाई को बताया जा रहा है ऑफिशियल सोर्सेस की माने तो, बट आई डोंट थिंक कि 15 जुलाई कल को रिजल्ट आएगा। सीबीएसई टर्म 2 का जो रिजल्ट आ सकता है, मेरे विचार में ये जो आने वाला हफ्ता है ना, ठीक है, 21 20 से 21 या 20 से पहले पहले कभी भी आ सकता है, कल तो नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। अब देखते हैं कब आता है। वैसे आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप टेंशन लो या ना लो, रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा। आपको अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जय हिंद, वीडियो को जरूर शेयर करते हैं।